सहारनपुर राज बिहार कॉलोनी में चला नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान। अतिक्रमणकारियों को दी गई चेतावनी। आपको बता दें, जनपद में नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देशानुसार प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल बीएस नेगी के नेतृत्व में नगर निगम की टीम अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। तो रोजाना अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी जा रही है। जिनके द्वारा स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा, उनके विरुद्ध नगर निगम कार्यवाही कर रहा है। इसी क्रम में आज राज बिहार कॉलोनी में भी नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जी, बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। और जैसे ग्राउंड पे सिचुएशन टैकल करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं बन पाया, किस तरह लोकल्स ने भी कोऑपरेट किया है और निगम की तरफ से किस तरह कार्रवाई की जाती है, तो ये पूरी प्रोसेस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कंप्लायंस के साथ एज पर लॉ हुई है, इसको देखने को मिला। और आई एम वेरी थैंकफुल टू द लोकल्स हियर एज वेल कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट किया है और काफ़ी पीसफुली ये पूरा ड्राइव हुआ है। जी सर, आगे क्या अभियान चला है, किस कॉलोनी? ये राजबिहार कॉलोनी की काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी वहाँ के नागरिकों के द्वारा कि लोगों ने घरों के आगे जाल बना इतने ज़्यादा आगे तक बढ़ा दिया था अतिक्रमण कि रास्ता ही बहुत छोटा हो गया था। तो इसकी बार बार शिकायत आई, जनसुनवाई में भी आई गई थी, हमारी जो है नगर आयुक्त महोदय के संज्ञान में भी इसको लाया गया था। इससे पहले हमने एक महीने पहले भी यहाँ अनाउंसमेंट किया था, फिर दोबारा इसका अनाउंसमेंट किया था। और अच्छी बात यह है कि 70-80% लोगों ने खुद भी अपने अतिक्रमण को खुद हटाया था। इसके लिए हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। यहाँ के जो ऑफिस बेरर हैं सोसाइटी के, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि हमारी पूरे अभियान के दौरान हमारे साथ में खड़े थे, पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ में खड़े थे। उनके सहयोग के लिए हम बहुत 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 धन्यवाद हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ में खुशी की बात है कि हमारे पास में प्रशासनिक सेवा से आईएएस से मैडम कृति हमारे पास में हैं और वो पूरे ड्राइव हमारे साथ में देखना चाहते थे। सुबह एक घंटे वो संपत्ति विभाग में थे, पूरा संपत्ति का जायजा लिया कि कैसे संपत्ति का रिकॉर्ड नगर निगम में रखा जाता है। 14 दिन के लिए हमारे साथ में है और हमारे साथ में आज ड्राइव, बाकी उनसे पूछ लीजिए कि उनका एक्सपीरियंस इसमें क्या था। धन्यवाद, जाएंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।